मौसी जी, ओ मौसी जी। हाँ हाँ पिंकी बेटा, रूम में आ जाओ। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा। अरे वाह, तू तो बहुत बड़ी हो गई है। चलो आओ बेटा बैठो। हाय बिट्टू। बिट्टू बेटा, जाओ पिंकी के लिए पानी ले आओ, लंबे सफर से आई है, थक गई होगी। पानी पियो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। और बताओ कैसे आना हुआ? बस आप सभी की याद आई और मैं चली आई। और बताओ नाचे कब जाओगी? मैं तो सोच रही है बस जाऊँ मौसा मौसी के घर। बस तो नहीं दूंगा तुम ना, को भी शाम तक घर चली जाएगी। अरे बिट्टू भाई कहाँ खो गए? अरे दीदी मैं ये सोच रहा था आप किस रूम में सो गए। अरे बिट्टू उसमें क्या, ये तो तुम्हारे रूम में ही सो जाएगी। अरे मम्मी मैं कहाँ सोऊंगा फिर? अरे बेटा पूरा घर ही तुम्हारा है, कहीं भी सो जाना, सोफे पे सो जाना या बाहर चटाई लेके बालकनी में सो जाना। इसने मेरा हाथ ही बैठ छीन लिया, इस मौसी की लड़की का कुछ करना पड़ेगा। अरे क्या सोच में डूब रहे है? चल जाके अपने कमरे में पढ़ाई कर, जब देखो टीवी देखता रहता है। हाँ बेटा ये बहुत शरारती हो गया है, जब देखो टीवी देखता रहता है या खेलता रहता है। एक पिंकी को ही देख लो, कितनी शरीफ और भोली है, एकदम गाय है गाय, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। और एक तुम अपने आप को ही देख लो। अरे मम्मा कितनी मस्ती करूंगी, मैं जा रहा हूं ना। अरे रुक बेटा, दीदी के लिए पीने के लिए पानी भी ले आना। अरे अरे ये क्या है, पीने के लिए पानी मंगाया था, नहाने के लिए नहीं। अरे मम्मी आपने याद आ, पिंकी तो गाय है ना। अरे मम्मी गाय तो इसी को पानी पीती है ना। अरे बदतमीज। बेटा आप एक काम करो, इसी में पानी पी लो। है? नहीं नहीं मेरा मतलब है कि गिलास डाल के पानी पी लो। ठीक है मौसी जी।